कंप्लेन लिखूं? क्यों, किसने मारा तुझे? इंस्पेक्टर, उसको मैंने मारा है। इस खाली चूहा जिसने मुझे मारा है। अरे आओ खाली भाई बैठो, चाय भाई मंगाओ। अरे आप मेरी कंप्लेन क्यों नहीं लिखते? इस गुंडे को गिरफ्तार कीजिए, मेरी शिकायत क्यों नहीं लिखते? अरे कोई तेरी आवाज नहीं सुनेगा यहाँ, कुछ नहीं होने वाला। ये जो पुलिस वाला है ना साला, ये कुत्ता है, भड़वा है गुंडों का। साला बहुत बोलता है, मैं उसको ठीक करके आता हूँ। तू क्यों खड़ा है, चल फोड़ना है। क्यों बे, इतने मार खाने के बाद भी तेरी गर्मी नहीं उतरी? इंतकाम की गर्मी है, मार खाने से और भड़कती है। भड़कती हुई आग को मैं अभी बुझा सकता हूँ। इंस्पेक्टर को बोल के तेरे को बाहर निकालूंगा और एनकाउंटर में मार डालूंगा। जिस दिन मैं बाहर आ गया ना, तू बचेगा नहीं, तेरी मौत का दिन होगा वो। वीर, जब तक चिनाल रंगे हाथों पकड़े नहीं जाती, सावित्री कहलाती है। जिस दिन चिनाल पकड़ी जाती है, उसका हाल पागल कुतिया जैसा होता है। मोहल्ले के लोग पत्थर मार मार कर उसका सर कुचल देते हैं। बहुत बोलता है, तेरी बोलती बंद करने के लिए अगली तारीख बहुत लंबी पड़ेगी। अपने कफन का इंतजाम कर रखना उस दिन, क्योंकि अब जो तारीख पड़ेगी वो तेरी जिंदगी की आखिरी तारीख होगी। साला पागल हो गया। अरे खालिद भाई तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वीर को तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इंस्पेक्टर अमर मुख्तार। हेलो इंस्पेक्टर साहब, वीर जेल से भाग गया। दीदी, दीदी, आपका फोन आया है। हेलो। हेलो रानी, मैं वीर बोल रहा हूँ। वीर कहाँ से बोल रहे हो? जेल की सलाखों के पीछे मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता था, इसलिए मैं जेल की सलाखें तोड़कर आजाद हो गया हूँ। वो तो मुझे पता है वीर, पुलिस तुम्हें ढूंढने 3 बार आ चुकी है। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक मैं कमिश्नर साहब के खून का बदला नहीं ले लेता, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक और बुरी खबर है, चिकू ने वकील साहब का खून कर दिया। क्या? और इंस्पेक्टर उमर मुख्तार तुम्हें और अर्जुन को एनकाउंटर में मार डाला जाता है। अब टाइगर और उसके पूरे ग्रुप को खत्म नहीं कर दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वीर भाग गया। अच्छा हुआ, लेकिन तेरे लिए बहुत बुरा हुआ। अब उसके भागने की सजा मैं तुझे मार कर, कानून समझेगा कि मैंने भागते हुए कैदी को मार डाला। 1000 साल मरने के बाद भी सच्चाई जिंदा रहती है और बुराई को खत्म कर देती है, मिटा देती है। भूल गया तू, आज कलयुग है, कलयुग जिसमें सच्चाई मिटती है और बुराई जिंदा रहे। बत्ती बंद। इंस्पेक्टर खोल दो इसको। आ, 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 आ,
मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। तू यहां क्या कर रहा है? मैं भी जेल से भाग के आ गया हूं। एक काम कर, रानी के पास जा, उसकी हिफाजत कर। हाँ जा। दुश्मन उन पर भी हमला कर सकते हैं। मैं चाहता हूं अरे कानून से लड़ने वाला वकील मर गया ना, अब एक और लड़ाकू यहां मरने के लिए आने वाला है। वीर, आखिर तो आ ही गया ना। आग का तूफान बनकर आ गया है वीर, चलाकर राख कर देगा तेरे जुल्म की जंजीर। मजा आया हा? शेर के मुंह से शेर सुनने का मजा आया। अब शेर बोलने का सजा झेलने के लिए तैयार हो जा। तूने मेरे दोस्त विश्वनाथ का खून किया है, आज मैं तेरे इस अड्डे को शमशान बना दूंगा। थप्पड़ का जवाब घूसे से देने के लिए खालिद चूहे से हाथ मिला। नहीं नहीं, मैं नहीं हाथ मिलाऊंगा। हाथ मिलाना जाऊं तो हाथ काटेगा। जो हालत तुम्हारी है तांडिया, वो हालत उसकी भी है। तुम दोनों का एक ही दुश्मन है वीर, इसलिए आपस की दुश्मनी भुलाकर दोस्त बन जाओ। मगर ये मैंने उसे बुलाया है, वो जरूर आएगा। यो चिकू तांडिया, अंडरवर्ल्ड का डॉन बनने का बहुत शौक था ना तेरे को, अपने साथ साथ मेरे झोली में भी छेद करवा दिया ना। इस छेद को सीने के लिए तुम दोनों को मिलकर वीर का सीना छलनी करना होगा, और ये
तभी होगा जब तुम दोनों आपस में हाथ मिला। मेरा तो हाथ कब से उठा है? ए, तू भी हाथ उठाना। मैं तो बहुत पहले हाथ उठाया था, लेकिन अब टाइम आया हाथ मिलाने का। गुड गुड। अब वीर को कमजोर करने का सिर्फ एक ही तरीका है,